सो हेलो मेरे भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस एनिमे हिंदी। आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप का है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी मरीन फोर्ट को वानों से बेटर मानते हैं। ओडा ने एक बात कही थी, वानों के बाद तुम सब मरीन फोर्ट को भूल जाओगे। हाँ, मुझे मालूम है ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे भूल चुके हैं, बट आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मरीन फोर्ट को वानो आर्क से बेटर मानते हैं। सो मेरे भाई, आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेके बात करूंगा, तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, जिससे तुम भी बोलोगे अरे भाई, हमने तो ये चीजों को गौर ही नहीं किया था। ये सारे पॉइंट्स वानो को मरीन फोर्ट से अलग बनाती है। बस हाथ जोड़ता हूँ, वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही कमेंट बॉक्स में ज्ञान देना। खैर, जैसे कि इतिहास गवाह है, हमेशा न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन को सरपास करती है, वैसे ही मरीन फोर्ट ओल्ड एरा का एंडिंग था, तो वही वानो आर्क न्यू एरा का ओपनिंग होने वाला है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। पूरा मरीन फोर्ट एस के एग्जीक्यूशन के इर्द गिर्द घूम रहा था, और उसके लाइफ का एंडिंग भी हमें देखने को मिलता है। इसमें भी एस है, बट उसके स्टार्टिंग के जर्नी के पॉइंट्स दिखाए जाते हैं। जब वो वानो आया था तो उसने क्या क्या किया। बट क्या तुमने एक चीज गौर किया, हर ओल्ड एरा का बंदा, एस को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि वो ओल्ड एरा में ही मर गया। साथ ही साथ रॉजर, व्हाइट बियर्ड, ओडेन, इनमें से किसी ने भी अपना काम पूरा नहीं किया। कैसे? एस वानो को फ्री करवाने के लिए काइडो के पास फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ काइडो ही नहीं होता। रॉजर वन पीस खोज तो लेता है, बट वो टाइम से पहले ही पहुँच जाता है। ओडेन भी अपने ड्रीम को पूरा कर लेता है, बट सोगुन के नाम पे फेलियर साबित होता है, बिकॉज जब वो छोड़ के जाता है वहाँ पर क्या क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उची और काइडो कब्जा कर लेते हैं। बात करूं अगर मैं व्हाइट बियर्ड की, तो व्हाइट बियर्ड ओडेन की मौत का बदला नहीं लेता है, एक्चुअली में वो ट्राई ही नहीं करता है। और वहीं अगर मैं मरीन फोर्ट की बात करूं, तो मरीन फोर्ट में उसने लगभग अकाइनो को मार ही दिया था। अब बात करते हैं सीरीज के मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी की। वो वहां पर ट्राई कर रहा था, बार बार कोशिश कर रहा था, बट क्या वो अपने किसी भी ओपोनेंट को मरीन फोर्ट में सरपास कर पा रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो वाला सीन तो तुम्हें याद ही होगा, जब वो तीनों एडमिरल उसके सामने आ जाता है, क्या वो पूरा कोशिश करके भी उनको पार कर पाता है? ना रे भाई ना, बहुत ट्राई करता है बट नहीं कर पाता है। बट यहाँ वो दो यौकों को क्रॉस कर जाता है, लिलिन और काइडो को क्रॉस करके उस पर अचानक से पहुंच जाता है। भाई ये न्यू एरा का स्टार्टिंग है, वो ओल्ड एरा का एंडिंग था। प्लस मरीन फोर्ट में हर बंदा अपने लिमिट के अंडर रह के ही फाइट कर रहा था, बट यहाँ पर हर कोई अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है। लूफी एंड जोरो ने एडवांस कॉन्करर हाकी को कोटिंग किया, सांजी ने जर्मा का साइबोग वाला पावर यूज किया, वहीं अगर मैं किड और लॉ के पास जाऊं तो उन्होंने अपना लिमिट क्रॉस किया डेविल फ्रूट अवेकनिंग करके। वहीं अगर हम चले जाए निको रॉबिन के पास, तो निको रॉबिन को जो हर कोई डेविल चाइल्ड बोल रहा था, उसने उसी को ही अपना स्ट्रेंथ बना लिया। और ब्लैक मारिया का क्या हाल किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम समझ रहे हो ना, यहाँ पर हर बंदा अपने लिमिट्स को सरपास करके उससे भी और ज्यादा कोशिश कर रहा है, बट मरीन फोर्ट में हमें वो चीज देखने को नहीं मिलता है। मरीन फोर्ट में लूफी ट्राई तो कर रहा था बट कामयाब नहीं हो पा रहा था। वहीं अगर मैं बात करूं व्हाइट बियर्ड की, वो कर सकता था, बट अगर वो करता पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता, कोई नहीं बचता। अगर तुम्हें याद है, तुम ये वीडियो देख रहे हो स्टार्टिंग से, तो तुम्हें याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ओल्ड एरा न्यू एरा, व्हाइट बियर्ड ओल्ड एरा का परफेक्ट डेफिनेशन है। वो बीमार था, बूढ़ा था, बट फिर भी फाइट कर रहा था, और उस हालत में भी उसे कोई मार सके आज तक कोई साला पैदा नहीं हुआ। वो मारा नहीं गया था, वो मरा था, क्योंकि जब एस की डेथ हुई थी व्हाइट बियर्ड अंदर से टूट गया, प्लस उसका एक बेटा कमीना निकला, उसके लिए जीने की कोई वजह नहीं बची, तो व्हाइट बियर्ड ने लास्ट में दम तोड़ दिया, उसने मर जाना ही सही समझा। और अगर तुम यहाँ पर कहने वाले हो नहीं, ब्लैक बियर्ड के सब नमूने ने जो है मिल करके उसके ऊपर हमला किया जिस वजह से वो मर गया, भाई वो लास्ट में चिल्ला को कहता है ना, वो गोल्डन लाइन वन पीस इज एग्जिस्ट, भाई तुम सोच रहे हो वो कितना जोर से चिल्ला के बोलता है, पूरा मरीन फोर्ट में सुनाई देता है, हर किसी का कान में सुनाई देता है। वो उस हालत में भी चाहता ना, वो अपने डेविल फ्रूट को फुल पोटेंशियल पे यूज करके सबको मार सकता था, बट वो मारा नहीं, समझ रहे हो, उस हालत में भी वो ब्लैक बियर्ड को मारने का दम रखता था, ये याद रखना, उसने मर जाना सही समझा, इसी वजह से व्हाइट बियर्ड लेजेंड है। खैर, अभी मैं लूफी की बात करता हूँ। लूफी न्यू एरा न्यू जनरेशन को लीड कर रहा है, उसके पास भी बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जब वो हार मान सकता था। भाई वो काइडो से ही कितनी बार पिट चुका है, एक बार तो समुंदर में घुस गया था, पर फिर भी वो उठा और दोबारा वो फाइट कर रहा है। भाई जब मैं इन सारी चीजों के बारे में सोचता हूँ ना, और तुम भी ये सारी चीजों के बारे में अगर तुम खाली बैठ के सोचोगे ना,
तुम्हें मालूम पड़ेगा, तुम्हें रियलाइज होगा भाई ओडा ने यार वन पीस को किस हिसाब से ड्रॉ किया है, किस हिसाब से लिखा है। नेक्स्ट मेन हाईलाइट की बात करते हैं। जब मरीनफोर्ड स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब से मेन फोकस व्हाइट बियर्ड के ऊपर ही था। व्हाइट बियर्ड क्या करेगा, ये करेगा, वो करेगा, क्या वो मरीन को हरा देगा, क्या करेगा, यही सारी चीजें चारों तरफ चल रही थी। और ये सारी चीजें ना मरीनफोर्ड के एंड तक चल रही थी जब तक व्हाइट बियर्ड मर नहीं गया। अब तुम मुझे बताओ क्यों? बिकॉज सब जानते हैं व्हाइट बियर्ड कैपेबल था, ये उसका रुतबा था। वो किस किस चीज में वो कैपेबल था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होने का टाइटल, एक ऐसा डेविल फ्रूट जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है उसका वो यूजर था, तीनों टाइप ऑफ हॉकी का मास्टर था, वो भी एडवांस फॉर्म वाला, गोल्डी रॉजर किंग ऑफ द पायरेट का राइवल था, सेनगोकू के लेवल का वॉर टेक्टिशियन था। और लेजेंड तो यार ये वर्ड इसके लिए तो छोटा पड़ जाता है क्योंकि ये उससे भी ऊपर लेवल का बंदा था। ये सारी चीजें उसे कैपेबल बनाती, ये उसका रुतबा है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकता था। अब तुम मुझे बताओ कि वानो में जो लूफी काइडो और बिग मॉम के खिलाफ यहाँ पे अलायंस के साथ फाइट कर रहा है, क्या पूरे वर्ल्ड में लूफी मेन हाईलाइट में क्या कोई लूफी की बातें कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। लेटेस्ट मांगा चैप्टर 1037 की अगर मैं बात करूं, वहां पर तो गोरो से क्या बोलते हैं, हमने नहीं सोचा था कि बिग मॉम और काइडो को इतना देर लगेगा स्ट्रॉ हैट को हराने में। तुम समझ रहे हो ना, किसी को भी उम्मीद नहीं है कि वहां पर काइडो और लिलिन हार सकते हैं। बिकॉज एट द एंड तुम जानते हो मरीन्स के हिसाब से, वर्ल्ड गवर्नमेंट के हिसाब से जब दो योंकोस आपस में हाथ मिला लेते हैं ना तो उन्हें वर्ल्ड की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। एक बात बताओ ना, आखिर मंकी डी गार्प को क्यों हीरो ऑफ द मरीन कहा जाता है? बिकॉज उसने एक ऐसा काम किया था जो नामुमकिन सा था, रॉक्स पायरेट को रॉजर के साथ मिलके हराया था। अगर वो चाहे ना भाई, वो फ्लीट एडमिरल उसके लिए कोई बड़ी पोस्ट नहीं है, उसको बस जा करके बोलना है मेरे को फ्लीट एडमिरल का पोस्ट दो, बस कुछ नहीं, गोरोसे के सामने जाके बस सर झुका देना, भाई वो उसे फ्लीट एडमिरल ऐसे ही बना देंगे। उसका फीट इतना ज्यादा है, वो भले वाइस एडमिरल है पर उसका रुतबा फ्लीट एडमिरल से भी ज्यादा है। यही चीज मैं कहना चाहता हूँ, अभी कोई लूफी से एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा है, कोई लूफी की बात नहीं कर रहा है, बट जब लूफी काइडो को हराएगा वानो आर्क के एंड में, जब स्ट्रॉ हैट पायरेट जीत जाएगी ये वॉर, तुम देखना लूफी का रुतबा भाई किस लेवल पे होगा। ये जो सारी चीजें मैंने बताई, ये सारी चीजें वानो आर्क को मरीनफोर्ड से बेटर बनाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये वीडियो नहीं समझ में आ सकता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये वीडियो समझ में भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि आखिर तुम्हारा क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। साथ ही साथ अगर ये वीडियो तुमको पसंद आ गया तो लाइक मारना मत भूलना, और अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए हो तो जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर तुम्हें वन पीस रिलेटेड वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं, तो इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं तुम्हारे लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय। 君の虜になって